हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल। होप यू आर डूइंग ग्रेट, आई एम आल्सो डूइंग वेल। सो सुबह के पीने वाले सवा दस, आज मैं उठी आई थिंक 9:30। उसके बाद आज यहाँ पे फंक्शन है देवता जी का। और हाँ जी, हाँ जी, हाँ चले। तो अभी मैंने ब्रेकफास्ट करा है, आज मुँह तो ब्रश वगैरह करके अभी हम जा रहे हैं अपने मिस्त्री को ब्रेकफास्ट लेके, और साथ में गाय के लिए कुछ चापन वगैरह लेके जा रहे हैं। मैं और अंजलि जा रहे हैं, और धूप बहुत तेज है। मैं तो सोच रही थी क्या स्नोफॉल होगा, बट नहीं हुआ। चलो क्या कर सकते हैं, चलते हैं। अंजलि कर दिया खाना, घी भरे ऐसे बोल रहे मम्मी, अभी आ रहे हैं। और फाइनली हम 3 दिन के बाद घर से निकल गए अपने खेत के लिए, और अंजलि और मैं। इतना सारा खाना है कि दो दो आदमी को जाना पड़ रहा है ना। ये गाँव, हाँ दो लोगों का ब्रेकफास्ट लेके दो आदमी जा रहे हैं। ब्रेकफास्ट लेना बहाना है, हम तफरी मारने जा रहे हैं। हम बहुत अच्छे मौके पे आए, यहाँ देवता जी को बाहर निकाला है। इनका ही भोज है जो फंक्शन होने जा रहा है। बोल देवता जी मुझे वो दे दो, सद्बुद्धि दो। तो अभी हम चलते हैं, बिकॉज आज ना बहुत सारा काम करने को है, बहुत सारे लोग आएंगे, तो खाना वगैरह बनाना है। इसलिए हम 5 मिनट में पहुँचने वाले अपने खेत। और नमस्ते देखना चोटियों पे बर्फ हुई है। अंजलि मैं पता क्या बोल रही थी ना कल, कि कल तो बहुत बर्फ होगी। अंजलि को जो भी रास्ते में मिल रहा है ना, सबको नमस्ते कर रही है, जिसको वो जानती भी नहीं है, क्योंकि गांव में आजकल बहुत मेहमान आ रखे हैं, तो इसलिए। और ये नमस्ते इसलिए कर रही क्योंकि एक बार इसकी बेइज्जती हुई थी। एक अंकल को नमस्ते नहीं करते, उसके बाद ही सबको करती है। जब मैं पूछती हूँ कि अंजलि इनको जानती, फिर बोलती नहीं 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 जानती मैं। वैसे नमस्ते करना अच्छी बात है, कोई बुरा ही नहीं है। थक गई रुक अंजलि, ये हमारा घर, जो कि मेरे पुराने व्यूअर्स हैं उनको पता है कि हमारा ये घर बन रहा है। आई डोंट नो कब बनेगा, बस हमें यहाँ पे जाना है। हम वैसे 5 मिनट में पहुँच सकते थे गाँव से यादव, बट हम आराम आराम से, अब मेरे को गर्मी लग रही है, उसको उतार रही हूँ, हम पहुँच के जा रहे हैं। जल्दी चलो, जल्दी चलो, जल्दी स्लो चलती है, तुम साइस है, और मेरे को पकड़ते ओके। एक बार क्या हुआ, मैं आपको गाइस मैं आपको बताती क्या हुआ। अंजलि शिवानी और ईशिता जो कि मतलब उन्होंने मतलब प्लान किया था कि वो मॉर्निंग वॉक पे आएगी डेली। हाँ आए थे हम, एक दिन आई मॉर्निंग वॉक पे, दूसरे दिन मेरी बुआ गाँव में उन्हें डरा दिया कि यहाँ पे ना भालू आता, दूसरे दिन कभी आई नहीं, जो कि गाँव में कुछ होता नहीं हमारे गाँव में, चंदू में होते, गाँव में नहीं होते। हम पहुँच गए यहाँ पर उन्होंने, ये नमस्ते जी, कैसे हो आप? मैं अंदर ही अंदर कर ले दरवाजों के बनाने। अच्छा ऊपर बनाने, ऊपर के भी है, नीचे वाले भी है, पीछे के भी है, हॉल के भी है, ऊपर के भी, और सब कठे है सारे मटेरियल लगा ले, कितने लगते ना। हां जी बनाने में टाइम लगता है। हां जी हां जी, हम ब्रेकफास्ट लेके तो आ गए, बट इनके पास पानी नहीं है पीने को, तो पानी हमें वहाँ पे आता है पानी, क्योंकि पहाड़ों में ऐसा कुछ होता है नहीं कि पानी गंदा होता है। यहाँ पे तो कोई फिल्टर की ज़रूरत नहीं होती, कोई फ्रिज की ज़रूरत नहीं होती, अगर मैं अपने गांव की बात करूँ। सो हम यहाँ पे अब अंजलि लेके आ रही कैनी, और कैनी भी भर के पानी ले जाएंगे, और फिर ये अपना ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर हम जाएंगे वापस, बिकॉज एज आई टोल्ड यू बिफोर हमारे पास बहुत काम है घर पर करने के लिए। सो चलते हैं, पानी भरेंगे। ये है बुआ का,
बॉयफ्रेंड धूप से बचाने के लिए नया तरीका ऐसे ना तो डस्ट आएगी नाक में। अभी तो हर घर में ना नलके लगे हुए, जब हम छोटे छोटे थे तो ना क्या होता था बावड़ी से पानी लाना पड़ता था गैलन भर के, बच्चों के काम में पानी भरना पड़ता था। बेटा घर पे इतने बड़े बड़े बर्तन होते थे, उन बर्तन को फुल करना पड़ता था। अब तो याद भी क्यों नहीं उठा कि कहाँ से लिए। और ये देखो वो घास है ना, ये जो है विंटर्स के लिए रखा होता है स्पेशली। ये ट्री देखो कितने अखरोट का है, ये भी अखरोट। अच्छी वीडियोग्राफर ने अच्छा कैप्चर किया कर यार। मैं देखती हूँ जरा कितना काम हुआ है, क्योंकि मैं काफी टाइम के बाद आ रही हूँ। अभी ये तो रेडी करने के लिए, ओके अभी नीचे बिछा दिया है, बट अभी इतना ज़्यादा क्लीन नहीं दिख रहा है बिकॉज अभी बहुत सारा काम रहता है। आप लोगों के लिए मैं इसका स्पेशल व्लॉग बनाऊंगी जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और आई डोंट नो कब कंप्लीट होएगा। अब हमें मम्मी ने बोला था कि घास भी दे देना गाय को, जो कि यहाँ नीचे रहती है। गाय के लिए हमने बनाया गौशाला, बट जैसे धूप होती है ना तो गाय को बाहर निकालना पड़ता है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने कभी गाय का काम नहीं किया, मुझे बहुत डर लगता है। तो हमने मम्मी को फ़ोन किया, मम्मी कहते हैं तुम रहने दो, सिंग सुंग मार लिया तो तुम अंदर ही गौशाला में जो है गाय को जो है घास डाल दो। तो मैं और अंजलि डाल दें, अंजलि लेके आओ, अंदर देते हैं गाय को घास। ये है गाय का गौशाला, अभी टेम्परेरी बनाई है शायद ना, पता नहीं कैसा। फेंकना अंदर, फेंकना ही घास। दो गाय, तीन अंजलि, तीन के लिए एक काफी। हाँ काफी है, काफी। कहाँ रखो? बीच में। एक और दे दे यार, तीन के लिए काफी है। काफी? हाँ। अच्छा बाद में और देते हो, बीच में यहाँ रखो, इसको भी दे दो। किसको? इस बैल। अरे जा रही है, इसका मुंह जा रहा है। आश मेरी, क्या नाम है इसका? आंचल। आंचल, ओह माय गॉड, तुम्हारी मालकिन नहीं है आज, थोड़ी देर में आएगी। चले हम चल पड़े घर वापस, पूरा टाइम वेस्ट करने के बाद। घर में पड़ने वाली है शायद डांट, मेरे को तो नहीं पड़ेगी, अंजलि को पड़ेगी मेरे को, क्योंकि फिर तेरे को तो मैं बचा ही लेती। यहाँ से देखना कितना सुंदर व्यू दिख रहा है।